गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर, क्योंकि हमें ज्ञान की विशेषताओं के आधार पर भी हम ज्ञान के अर्थ को समझ सकते हैं। इसीलिए हमको अनिवार्य है कि सबसे पहले हम ज्ञान की विशेषताओं को भी जानें। ज्ञान की विशेषताएँ क्या है? सबसे पहली जो विशेषता है, ज्ञान का संबंध चेतना से है। ज्ञान का संबंध चेतना से, ठीक है ना? ज्ञान का संबंध चेतना से है। मनुष्य चेतन अवस्था में यानी कि सजग होकर ही किसी चीज़ को समझ जान सकता है। इसीलिए क्योंकि मनुष्य जब तक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी तथ्य, किसी सूचना को ग्रहण नहीं करता है, तब तक उस ज्ञान के तत्व के बारे में या उसको समझने की जो उसकी प्रक्रिया है उसमें वो भागीदार नहीं। इसीलिए अनिवार्य है कि सबसे पहले उसका चेतन अवस्था में होना, यानी कि वो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या जान रहा है, क्यों जान रहा है, किस लिए जान रहा है, उससे उसको क्या लाभ होंगे। जब तक वो इस चीज़ के लिए सजग नहीं होगा तब तक वो ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकेगा। इसीलिए ज्ञान चेतना की अवस्था है या ज्ञान का संबंध चेतना से। दूसरी बात आती है ज्ञान का संबंध ज्ञाता से। ज्ञाता से यानी कि जानने वाला, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञात और ज्ञाता, यानी कि जिसे ज्ञात है जो जानता है और जो ज्ञाता जो जानने वाला है। तो जब तक कोई जानने वाला नहीं होगा तो ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं, अर्थात कि उसको सीखने, उसको समझने, उसको ग्रहण करने के लिए कोई एक माध्यम होना चाहिए और वो माध्यम क्या है? ज्ञाता। जब तक वह नहीं है तब तक ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान की विशेषता है कि वह ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। अगली विशेषता है संबंध कौशल विकास से। कौशल विकास, ज्ञान का संबंध कौशल विकास से है, यानी कि एक व्यक्ति के कौशल का विकास होने से ज्ञान का संबंध होता है, यानी कि उसके कौशलों का, विभिन्न प्रकार के कौशल बालक जब सीखता है, व्यक्ति जब सीखता है और उनका अपने जीवन में उपयोग करता है तभी वह ज्ञान है। अर्थात कि ज्ञान का संबंध किसी व्यक्ति में किसी विशेष कौशल के विकास की प्रक्रिया से होता है, इसीलिए ज्ञान का संबंध कौशल से है। अगली बात आती है ज्ञान का संबंध अमूर्त वस्तु है। ज्ञान अमूर्त वस्तु है, ठीक है ना? कि ज्ञान जो है वो अमूर्त वस्तु है, जो मतलब कि जिसका कोई स्वरूप आकार हमारे सामने नहीं है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप में देख समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वह अमूर्त अवस्था में हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसे हम हमारी कल्पना शक्ति, हमारी जो चिंतन शक्ति है उसके माध्यम से उसे ग्रहण करते हैं। इसीलिए वह मूर्त अमूर्त अवस्था में ज्ञान हमारे बीच में, क्योंकि जब किसी चीज़ की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तब वह प्रथम अवस्था में हमारे सामने किसी भी रूप में, मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं होता है, वह प्रथम अवस्था में तो अमूर्त रूप में ही होता है, और धीरे धीरे जब वह प्रमाणों के साथ में प्रमाणित होता हुआ सर्वजन के लिए उपयोगी सिद्ध होता है तभी वह मूर्त अवस्था में आ सकता है, अन्यथा ज्ञान जो है मूल अवस्था में या वास्तविक रूप में देखा जाए तो अमूर्त अवस्था से संबंध। फिर बाद में ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है, ज्ञान मानसिक प्रक्रिया है। क्यों? कि जैसे कोई चीज हमारे सामने आती है तो उसकी उसके संरचना, उसकी उत्पत्ति, उसका आकार प्रकार के बारे में हम चिंतन करने लगते हैं। जब चिंतन करते हैं अर्थात उसके बारे में तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो ये सब क्या है? मानसिक क्रियाओं के ही भाग है। इसीलिए ज्ञान मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। जैसे कि
हम जेम्स वॉट ने प्रथम बार जब पानी की केतली के ढक्कन को उछलते हुए देखा पानी के उबलने पर, तो उनके दिमाग में आया कि ढक्कन उछला क्यों। फिर दोबारा देखा तब उन्हें महसूस हुआ, तब मानसिक क्रियाओं ने कार्य करना प्रारंभ किया कि प्रथम अवस्था में कि ढक्कन उछला क्यों। तो ये एक जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा ने उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया, बार बार उस चीज़ को अनुभव किया, प्रयोग किया, तो समझ में आने लगा कि जब पानी में एक शक्ति, भाप में एक शक्ति होती है जिसकी वजह से यह किसी चीज़ को धक्का दे सकती। तो ये क्या था, ये एक मानसिक क्रिया थी। तभी यह सत्य सामने आया कि भाप में एक शक्ति होती है जो किसी भी वस्तु को अपने स्थान से हिलाने में सक्षम होती है। इसीलिए ज्ञान का संबंध मानसिक क्रियाओं से। उसके बाद ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है ना, ज्ञान के लिए विषय का होना अनिवार्य। बिना विषय के व्यक्ति क्या ढूंढेगा, क्या देखेगा, किसके बारे में जानेगा। इसीलिए किसी एक विषय का होना अनिवार्य है। बिना किसी प्रकरण, बिना किसी विषय के किसी भी तथ्य या सूचना को हम ज्ञान की श्रेणी में नहीं ला सकते। इसीलिए ज्ञान का कोई एक विषय होना अनिवार्य। उसके बाद में ज्ञान परिवर्तनशील है। ज्ञान परिवर्तनशील है, यानी कि ज्ञान में परिवर्तन होता है। क्योंकि जो चीज़, जैसे हमने प्रारंभिक अवस्था में चंद्रमा को देखकर कोई दैवीय शक्ति के रूप में उसे स्वीकार किया जाता था और ये माना जाता था कि ये रात में निकलता है और प्रकाश देता है, जिस रोज नहीं निकलता है उस रोज वह अदृश्य हो जाता है कई रूट के, मतलब ऐसा हमारी माइथोलॉजी में माना जाता था, हमारे धर्मशास्त्रों में, कि वो एक दैवीय प्रकोप हुआ करता था, जैसे ग्रहण होना है दैवीय प्रकोप आदि माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे इससे संबंधित सूचनाएं, तथ्य सामने आने लगे, उससे संबंधित ज्ञान का जो हमारी जो जानकारी थी वो बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे यह परिवर्तन आया कि चंद्रमा यह एक पृथ्वी का उपग्रह है, ग्रहण होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा पृथ्वी के चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तब ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा उसके बीच में आ जाने की पृथ्वी के, तब कभी सूर्य ग्रहण और कभी चंद्र ग्रहण होता है। तो ग्रहण के पीछे हमारी जो ये जो परिक्रमा की जो प्रक्रिया है उसमें, उसकी वजह से ये ग्रहण। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान में परिवर्तन हुआ इसीलिए, लेकिन ज्ञान में अपरिवर्तन अवस्था भी होती है, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं जो शाश्वत सत्य हो चुके होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे पहले एग्जांपल देखा कि भाप में शक्ति होती है, निश्चित है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब कि ज्ञान जो है मूल रूप में इसमें धीरे धीरे जो है परिवर्तनशील प्रकृति है, जिसमें कि समय के साथ ज्ञान की वृद्धि के साथ इसमें परिवर्तन आता रहता है। उसके बाद में है ज्ञान परिस्थिति जन्य है। ज्ञान परिस्थिति जन्य ठीक है ना, ज्ञान जो है वो परिस्थिति जन्य, परिस्थितियों के कारण ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान का उदय होता है। हमारी जो कोई परिस्थिति है, कोई घटना ऐसी घटित होती है जिसकी वजह से ज्ञान की जो है हम परिस्थिति जन्य उसे मानते हैं। फिर ज्ञान में संश्लेषण और विश्लेषण के तथ्य समाहित होते हैं। संश्लेषण व विश्लेषण के तथ्य समाहित होते हैं, यानी कि इसमें संश्लेषण और विश्लेषण के तथ्य समाहित होते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषित करके एक नवीन रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं, इसीलिए इसमें संश्लेषण और विश्लेषण के तथ्य विद्यमान होते हैं। फिर बाद में घटना से संपर्क,
घटना से संपर्क, यानी कि घटना का होना अनिवार्य, बिना घटना के कोई भी ज्ञान नहीं उदय होता है। यानी कि कोई ना कोई घटना, जैसे चाय की केतली का या पानी की केतली का ढक्कन का उछलना, ये एक घटना थी, उसी से ज्ञान उत्पन्न हुआ कि भाप के में एक शक्ति होती है जो वस्तु को अपने स्थान से विचलित कर देती है। उसके बाद में है ज्ञान का क्षेत्र व्यापक, क्षेत्र व्यापक, ठीक है ना, ज्ञान का क्षेत्र सीमित नहीं है या व्यापक है, इसमें हर क्षेत्र अलग अलग उसमें हम ज्ञान को देख सकते हैं, किसी एक सीमित दायरे में बांध कर हम किसी बात को नहीं देख सकते हैं। इसके बाद में आता है ज्ञान का चिंतन का समावेश, चिंतन का समावेश, ठीक है ना, ज्ञान में चिंतन का समावेश होता है। जब तक चिंतन नहीं है हम किसी निष्कर्ष या नतीजे पर नहीं पहुंचते। आशा करती हूँ कि आज की ये बात समझ में आई होगी, ये ज्ञान की विशेषताएं थी। इसी आधार पर हमारा आज का प्रश्न रहेगा कि ज्ञान की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आज का हमारा प्रश्न है ज्ञान की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले, COVID-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।